जंगल में सवेरे सवेरे हिरनी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। कुछ हिरन, भालू और बंदर इकट्ठा हो गए। हिरनी के दोनों बच्चों की लाशें सामने पड़ी थीं और उन्हें देख देख कर वो लगातार रोए जा रही थी। माँ हिरनी बोली, हाय राम, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? एक नागिन ने मेरे दोनों जिगर के टुकड़ों को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। मेरा तो सब कुछ लूट लिया। अब मैं किसे प्यार करूंगी? किसे अपना दूध पिलाऊंगी? मेरे दोनों प्यारे लाडले ही मेरी दुनिया थे। अब कौन मुझे माँ माँ कहकर पुकारेगा? हे भगवान, अब मुझे भी मेरे बच्चों के पास बुला लो। एक हिरनी बोली, ऊपर वाले की मर्जी के सामने किसकी चलती है? वही देता है, वही लेता है। हम तो खिलाड़ी हैं, वही विजेता है। हमेशा उसकी मर्जी की ही जीत होती है। माँ हिरनी बोली, जब लेना ही था तो उसने दिया ही क्यों? एक झटके में सारी खुशियों को छीन लिया। भालू बोला, दोनों बच्चे एक साथ, ये सब कैसे हुआ? माँ हिरनी बोली, आज सवेरे सवेरे बच्चों ने दूध पिया और पास में झाड़ियों के पास खेलने लगे। अचानक एक जहरीली नागिन ने बड़े को डस लिया। बड़ा चिल्लाया तो छोटा भी उसके पास आ गया। छोटे ने गुस्से में नागिन को मारना चाहा तो जालिम नागिन ने उसे भी काट लिया और भाग गई। उस नागिन ने मेरे दोनों बच्चे मुझसे हमेशा के लिए छीन लिए। भालू बोला, बहन ये तो बहुत बुरा हुआ। वैद्य काका आ गए हैं, वो दोनों बच्चों की नाड़ी देखना चाहते हैं। एक बंदर बोला, हाँ हाँ देख लीजिए। एक बुजुर्ग भालू वैद्य ने दोनों बच्चों की नब्ज देखी और उन्होंने नकारात्मक इशारे से सर झुका दिया। माँ हिरनी उन्हें देखकर फिर से रोने लगी। दोनों मासूम बच्चों की लाश सामने पड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सो रहे हों। मौत ने तो उन्हें हमेशा के लिए सुला ही दिया था। आसपास सभी जानवरों की आंखें नम हो गई थीं। एक हिरनी बोली, हम लोगों की भी क्या किस्मत है, हमेशा मौत के साए में जीते रहते हैं। कोई नहीं जानता कि किस रूप में मौत आएगी और किस को ले जाएगी। मौत कभी भी किसी की भी गोद सूनी कर देती है और किसी को भी अनाथ बना देती है। दूसरी हिरनी बोली, बहन हिम्मत से काम लो। सभी जानवर हमदर्दी दिखाकर चले गए। हिरनी बेचारी न भूलने वाले दुख के साथ सिसकती पड़ी रही। वो कुछ खा पी नहीं रही थी। एक हाथी उसके पास आया। हिरनी बहन, कब तक ऐसे करोगी? अब कुछ खा पी लो। ईश्वर तुम्हें सब कुछ सहने की शक्ति भी दे, यही मेरी प्रार्थना है। ये लो कुछ चारा लाया हूँ, खा लो। हाथी के बहुत जिद करने के बाद हिरनी ने कुछ चारा खाया और चुपचाप बैठ गई। उसे बार बार अपने दोनों बच्चों का ही ख्याल आ जाता था। कुछ दिन बीत गए। अचानक उसी झाड़ी से कुछ नागिन के बच्चे बाहर आ गए। एक गोरिल्ला की नजर उन नागिन के बच्चों पर पड़ गई। वो डंडा लेकर उन्हें मारने के लिए आगे आ गया। नागिन भी आगे निकल आई। नागिन बोली, ए गोरिल्ला भाई, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इन्हें मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। गोरिल्ला बोला, जहरीले नागिन, मैं तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा और तेरे बच्चों को भी मार दूंगा। तुम लोग अपने जहर से दूसरे को मारते हो, दूसरों की दुनिया उजाड़ते हो। गोरिल्ला को डंडा लेकर खड़े देखकर माँ हिरनी समझ गई कि अब नागिन और उसके बच्चों की खैर नहीं है। नागिन स्वयं को बचाकर भाग जाएगी लेकिन उसके बच्चे बच नहीं पाएंगे। बच्चों की मौत का आघात बहुत ही दुखदायी होता है। माँ हिरनी गोरिल्ला के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, गोरिल्ला भाई, इन बच्चों को मत मारो, इन्हें छोड़ दो। एक माँ सब कुछ सह सकती है लेकिन बच्चों का हल्का सा भी दर्द नहीं सह सकती। गोरिल्ला बोला, हिरनी बहन, क्या तुम भूल गई कि इस नागिन ने तुम्हारे दोनों बच्चों को डसकर मौत की नींद सुला दिया था, तुम्हें दुख के सागर में गिरा दिया था, तुम उसके ही बच्चों को बचाना चाहती हो? माँ हिरनी बोली, हाँ मैं इसके बच्चे को बचाना चाहती हूँ। डसना तो नागिन का स्वभाव है। नागिन बहन, अपने बच्चों को यहाँ से हटा दो, मैं नहीं चाहती कि उन पर कोई खतरा आए। नागिन बोली, मुझे माफ कर दो बहन, मेरे कारण तुम्हारी गोद सुनी हो गई। मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ,
मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर लो। माँ हिरनी बोली, भाई गोरिल्ला, अब मेरे और नागिन के बीच में सारा मामला आ गया है, अब मैं इसे इसके किए की सजा दूंगी। नागिन बोली, हाँ बहन, मैं किसी भी सजा को भोगने के लिए तैयार हूँ, मेरा सर तुम्हारे सामने झुक गया है। माँ हिरनी बोली, मैं जो भी कहूँगी उसका तुम्हें पालन करना होगा। नागिन बोली, ठीक है, मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। माँ हिरनी बोली, जान तो जाएगी लेकिन तुम्हारी नहीं मेरी, मुझे आकर डस लो ताकि मैं अपने बच्चों के पास पहुँच जाऊँ, उनके बिना यह जिंदगी जीना भी एक सजा है, मुझे इस सजा से सदा के लिए मुक्त कर दो, आओ मेरे प्राण हर लो। नागिन बोली, नहीं बहन, मुझसे यह ना हो सकेगा, मैं अपने प्राण देना चाहती हूँ लेकिन तुम्हारे प्राण लेने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। माँ हिरनी का ये अनोखा रूप जंगल में किसी जानवर ने नहीं देखा था, उसके अंदर संतान प्रेम के साथ साथ अद्वितीय दया भाव भी था, जो अपनी संतान की दुश्मन के भी प्राण नहीं लेना चाहती थी। नागिन बार बार सर झुकाकर माँ हिरनी के चरणों में प्रणाम करती रही। एक बरगद के पुराने पेड़ पर मोटा सा कौवा रहता था। वो दिन भर कांव कांव करता, आलस करके बैठा रहता और चोरी करके अपना पेट भरता। उसका घोंसला भी कई जगह से टूटा हुआ था। उसके पास ही एक छोटा कबूतर रहता था। वो बड़ा मेहनती और नेक था। उसने अपने घोंसले को भी बहुत ही शानदार ढंग से बना रखा था। वो हर पक्षी की मदद करता था। कबूतर कौवे को अक्सर अच्छी राय ही देता